नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज क्या है कि जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना की वैक्सीन आ चुकी है और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी हुई है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम भी हेल्थ सेक्टर से ही हैं, तो हम लोगों को आज किया जा रहा है वैक्सीनेट। और हमारे साथ अभी यहाँ पे देखिए, हमारे जो ऑफिस के स्टाफ हैं वो, और यहाँ पे डॉक्टर साहब, हाय फ्रेंड्स, और हम सब लोग अभी जा रहे हैं जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे, और आज होने वाला है वैक्सीनेशन। भाई साहब, यहाँ पे मतलब कुछ लोगों को तो खुशी सी महसूस हो रही है, कुछ लोगों को खुशी महसूस हो रही है, कुछ लोगों की हालत खराब है। हालत खराब है भाई यार, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इंजेक्शन देखते बहुत भयंकर डर लगता है, तो उन लोगों की अभी हालत खराब हो रही है। हम वहाँ हॉस्पिटल पहुँचने वाले हैं और फिर वहाँ चल के आपको सीन दिखाते हैं कि आखिर क्या चल रहा है, क्या माहौल है। ऑलमोस्ट सभी का वैक्सीनेशन हो चुका है। हम लोग एक्चुअली क्या, बाहर थोड़ा किसी काम से गए हुए थे, इसलिए हम लोग सबसे एंड में जा रहे हैं। तो बस अब फटाफट चलते हैं और लेते हैं अपनी जो कोविड वैक्सीन है, मतलब वैक्सीनेशन फाइनली है, एक साल के बाद अब वैक्सीनेट होंगे। हाँ, और जो हमें जो वैक्सीन लगाई जा रही है वो है कोविशील्ड, है 95% एफिशिएंसी है, तो वो सही रहेगी बॉडी के लिए, ऐसे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इनएक्टिव वायरस है उसमें, तो हमारी बॉडी में कोई ऐसी भयंकर प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो कोविड वैक्सीन लगवाइए और अपने जीवन को बचाइए। जी हाँ, वैक्सीनेशन के लिए बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है, ऐसे कोई डरने घबराने वाली बात है नहीं। मतलब अगर आपका जैसे ही नंबर आता है, आप सबसे पहले वैक्सीनेट कीजिए, ताकि ये जो कोरोना वाला जो सारा प्रोग्राम है इसको भी क्लोज, इसका जो चैप्टर है उसको क्लोज किया जा सके। तो किसी की बात मत सुनिए, आपका जैसे ही नंबर आता है तुरंत जाइए वैक्सीन लीजिए और आप भी शामिल हो जाइए मतलब वैक्सीनेटेड गैंग के अंदर। हाँ, तो मैं ये तो बताना भूल गया, जो हमारा वैक्सीनेशन सेंटर है वो बनाया गया है फोर्टिस हॉस्पिटल को, मतलब जयपुर के रिनाउंड हॉस्पिटल्स में से एक है। तो जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के जितने भी लोग हैं उन सभी को वहीं पे वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो अपना हॉस्पिटल आ चुका है, कैसा लग रहा है सर? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी धड़कने भी थोड़ी तेज हो रही है। इस टाइम कोई वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं। नॉर्मली तो वैक्सीन लगती है छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तब आपने बड़े हो गए, इतने बड़े होने के बाद पहली बार वैक्सीन लगी? पहली बार, जैसे स्कूलों में बचपन में स्कूलों में दीवारें फांग फांग के भग जाते थे। चलो अब अपना जो डेस्टिनेशन है आ चुका है, चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये आदमी हम लोगों से पहले आ गया था, लगा ली क्या? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, वैक्सीन है कोई दिक्कत।
आंसू आंसू थोड़े आ रहे हैं बॉस आप? ना आंसू नहीं आए, आंसू किस लिए आए? मैंने टीचर के आए सिर्फ। नहीं बॉस, मैंने कभी क्या लगवाए? नहीं नहीं सोचो, तेरे तो मैं लगा दूंगा, चिंता की तेरे पता ही नहीं चलने तुम्हें। हाँ यार ये करो। ये हमारा है, एंट्री हो गया है। ये नंबर एक लगा तो 50 साल के ये कोरोना से पहले। और यहाँ पे जो सबसे डरने वाले बच्चे हैं उनकी यहाँ पे अभी नंबरिंग चल रही है। खुद का ही लिखा है ना नाम? तो संदीप के दोबारा लगा दीपक यार, कहीं भूकंप हो गई। मजा आया, एक और लगा सिस्टर इसके इधर। हो गया क्या? आ जाओ। चिल्लाओ। ये हमारे ऑफिस का सबसे कमजोर स्टाफ आ चुका है, जिसको बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाया गया है। क्या 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 है? वैक्सीन तो खराब कर थोड़ी करनी है। खोलो, सेम सर को बुलाऊंगा। ये पहली बार इंजेक्शन लगवा रहा है, कभी लगी नहीं। बचपन में टीके लगे थे ना, लेकिन तेरे जमाने में टीके नहीं थे उसमें। लगा क्या? वापस ले आओ। अब वो है वैक्सीनेशन कंप्लीट। तो भाई साहब, अपना फाइनली वैक्सीनेशन कंप्लीट हो चुका है, हम लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। अब ये नहीं है कि भैया वैक्सीन लग गई तो मास्क हटा के ऐसे घूमना। अभी तो जैसे हम लोग गाड़ी के अंदर हैं, और तो वैक्सीन लगने के बाद भी कम से कम 7-8 दिन तक तो हमें प्रॉपर मास्क वगैरह सब कुछ लगा के रखना है, और उसके बाद भी लगा के रखना है, मतलब अभी जब तक। बहुत ही अच्छा है, हम सभी को मोटिवेट करते हैं वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि जब भी अपन वैक्सीन लगाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी और बहुत जल्दी हम कोरोना से फ्री हो जाएंगे। गो कोरोना गो, गो कोरोना गो। जी हाँ, गो कोरोना गो। तो बस आज के वीडियो में तो गाड़ी में तो गियर ही नहीं है इसके, तो गियर नहीं है, खराब हो रही है गियर इसके। फिर बिना गियर चलने दो, हम आज बिना गियर वाली गाड़ी से जा रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो सर, गाड़ी में गियर नहीं है? ना 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 ना, ना मैं तो वीडियो एंड करने वाला था, आपने तो वीडियो की धड़कन ही बढ़ा दी। कहां जा रहा है गियर? वो बोल रहे हैं क्लच प्लेट चेंज कराइए आज। क्लच प्लेट चेंज क्या कराइए, गाड़ी का है ही नहीं, गियर ही नहीं। तो चलो जो भी हो, आज के वीडियो में इतना ही। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो भाई साहब, आज के जो वीडियो था उसका जो मेन मोटिव था वो था आप सभी लोगों को थोड़ा सा बताना और थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराना कि आखिर जो कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हम सब लोगों ने देखा है कि मतलब पूरे साल भर कोरोना है, मतलब उसको झेला है, एक तरह से उससे लड़ाई करी है लोग। मतलब अभी जो करंट सिचुएशन है, हम सभी भारतीय, मतलब सभी भारतीयों ने मिलकर डट के इसका सामना किया, और ये स्थिति आई है कि लोगों के पास हमारे देश में निर्मित जो कोविशील्ड वैक्सीन है वो है, और काफी इफेक्टिव वैक्सीन है, और काफी लंबे टाइम के बाद अब जाके ये जो वैक्सीनेशन है इसका ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। जल्दी सभी लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी, जैसे कि फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो कि मतलब हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है, उन लोगों को दी जा रही है। फिर उसके बाद शायद ये ओल्ड एज वाले लोग हैं जो कि सीनियर सिटीजन हैं, उनको दी जाएगी, और उसके बाद नॉर्मल लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो ये तो खैर अब गवर्नमेंट के पॉलिसीज हैं, वो किस टाइप से किस तरह से वैक्सीनेशन करते हैं। लेकिन हाँ, आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वैक्सीन से रिलेटेड जितनी भी अफवाहें, किसी पे विश्वास ना करें। जब भी आपको मौका मिल, जब कभी भी आपको मौका मिलता है वैक्सीनेशन, मतलब वैक्सीन लगवाने का, आगे बढ़कर वैक्सीन लगवाइए। क्योंकि जो भी जितनी वैक्सीन्स हैं जो बनती है, काफ़ी ट्रायल होने के बाद बनती है, कोई ऐसे है नहीं कि रिसर्च होती है, काफ़ी ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, और उसके बाद जो वैक्सीन होती है वो मार्केट में आती है। जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं पे आप भरोसा कीजिए, और जब भी आपको मौका मिलता है वैक्सीनेशन करवाइए, ताकि जल्द से जल्द हम ये कोरोना है इसका जो चैप्टर है उसको क्लोज कर सके। आज की वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो में आपको कुछ चीज़ पसंद नहीं आई हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।